आने वाले समय में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो 40 रुपए गाय के दूध की जगह 80 रुपए खरीदेगी गाय का दूध, और 60 रुपए भैंस की दूध की जगह 100 रुपया भैंस की दूध खरीदेगी। और निश्चित तौर पर जो बाजार में वो दूध बिकेगा वो उस रेट पर नहीं बिकेगा, वो 50 और 60 रुपए के बीच में ही बिकेगा। इस दृष्टिकोण से हम किसानों की आय को बढ़ाना चाहते हैं। कांग्रेस के विधायक और पूर्व अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू ने जब विधानसभा में नई सोच के तहत किसान पशुपालकों को 80 रुपए दूध का दाम देने की बात कही तो एक ओर किसानों और पशुपालकों में उल्लास आया और दूसरी ओर भाजपा ने इसे अव्यवहारिक कहकर खारिज करने की कोशिश की। अब सुखविंदर सुक्खू इस मसले पर विस्तार से बयान देते हुए भाजपा को जन कल्याण का गणित सिखा रही हैं। सुक्खू ने कहा कि नई सोच के लिए नए उपायों का प्रयोग कर जनता को लाभ दिया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि पशुपालकों के लिए उनका प्रस्ताव व्यवहारिक तो है ही, साथ ही प्रदेश के लिए समय के हिसाब से सबसे उपयुक्त भी है। सुक्खू का मानना है कि जब उद्योगों और उद्योगपतियों को करोड़ों रुपए का उपदान दिया जाता है और बिजली आदि में सब्सिडी दी जाती है तो ऐसे में किसानों पशुपालकों को भी उपदान के माध्यम से लाभान्वित किया जाना चाहिए। आइए सुने कैसे मिलेगा किसान और पशुपालकों को 80 रुपए का दूध का दाम और फिर भी जनता को मिलता रहेगा 50 रुपए किलो। विधानसभा में मैंने कहा कि हम जो पशुपालक है या किसान है, जो गाय पालता है, जो भैंस पालता है, उसे 80 रुपए किलो सरकार दूध खरीदेगी। ये बात मैंने इसलिए कही कि कांग्रेस पार्टी की नीति रही है कि वो रूरल इकोनॉमी को विकसित करे। इस दृष्टिकोण से आज गाय का दूध जो है सरकार 40 रुपए किलो खरीदती है, भैंस का दूध जो है 60 रुपए किलो खरीदती है। सरकार आने वाले समय में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो 40 रुपए गाय के दूध की जगह 80 रुपए खरीदेगी गाय का दूध, और 60 रुपए भैंस की दूध की जगह 100 रुपया भैंस की दूध खरीदेगी। ऐसा इसलिए जब हम उद्योगों को उपदान दे सकते हैं, जब हम 60 यूनिट आम नागरिक को फ्री बिजली दे सकते हैं, तो किसान की आय बढ़ाने के लिए अगर हमें 60-70 करोड़ रुपए का प्रावधान करना पड़े तो इस दृष्टिकोण से हम इस दूध उत्पादक की और पशुपालक और किसान की आय बढ़ाने के लिए इस प्रकार का उपदान लाने की नीति लाएंगे। और निश्चित तौर पर जो बाजार में वो दूध बिकेगा वो उस रेट पर नहीं बिकेगा, वो 50 और 60 रुपए के बीच में ही बिकेगा। इस दृष्टिकोण से हम किसानों की आय को बढ़ाना चाहते हैं और हम आपको ये वादा करना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जब भी सरकार आएगी इस प्रकार की नीति पशु उत्पादक किसान, क्योंकि 80% हिमाचल की जनता गांव में रहती है, किसी रूप में उन्होंने गाय पाल रखी है या भैंस पाल रखी है, उनकी आय बढ़ाने का ये सबसे बड़ा साधन। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइव टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी। हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजे अपना वीडियो 82198-00003 या 82198-00004।